चालत आलत। तो ट्रांसपेरेंसी नंबर वन, टाइमलाइंस को मीट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस जो हम इतना बड़ा अंडरटेकिंग शुरू करने जा रहे हैं, देखिए रमजान उल मुबारक का महीना है, मैं यहां पर मोरालिटी पे कोई लेक्चर नहीं देना चाहती, लेकिन हम इस चीज को समझते हैं कि ये और भी ज्यादा हमारी वैसे ही सारी जिम्मेदारियां जो है वो सेक्रेड हैं। जब आप अवाम की खिदमत के लिए आते हो तो वो एक सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब रमजान उल करीम का महीना आता है तो उसमें वो उसकी सैंक्टिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत एक बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है जो हम करने जा रहे हैं। आप सब मेरे उसकी मेरे टीम है जिन्होंने ये इफेक्टिवली इसको एग्जीक्यूट करना है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, जो चीजें मैंने पॉइंट आउट की है कि अपनी टाइमलाइंस को मीट करें, कोई टाइमलाइन जो है वो एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए, अपनी प्रोक्योरमेंट टाइमली करें, पैकेजिंग के ऊपर तवज्जो दें, अपने ट्रांसपोर्ट प्लान के ऊपर तवज्जो दें, अपनी टीम सेलेक्ट करें, फिर उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें एट ऑल लेवल्स, क्वालिटी को, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें। बाकी आपसे मेरी बातचीत होती रहेगी इंशाल्लाह। मैं खुद भी इन पैकेजेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास आऊंगी, आई विल बी विजिटिंग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एवरी डे। मैं खुद आपके पास आऊंगी, मैं देखूंगी आप किस तरह से इफेक्टिवली इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आपसे मेरा इंशाल्लाह ताला रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और ये पहली मीटिंग है हमारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर जिसपे आप सब ने बड़ी मेहनत की है, चीफ सेक्रेटरी साहब से लेकर डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। मुझे पता है कि कितनी अर्थरेजी से पेनस्टेकिंगली ये चीज हुई है। और हमारी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है बेसिकली, वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने की है, जो प्लान हमने बनाया, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी आप लोग हैं जो सामने मेरे बैठे हैं। और इन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि आप सब लोग माशाल्लाह ऑनरेबल लोग हो, ऑनेस्ट लोग हैं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि जो प्लान हमने किया है हम उसकी स्पिरिट को समझते हुए इसी तरह जो है आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेंगे, जो ह्यूमन रिस्पेक्ट है उसको इंश्योर करेंगे, टाइमलाइंस को, आप जो टाइमलाइंस अभी इन्होंने दी हैं वो शायद आपको इनके पास है वो टाइमलाइंस, क्वालिटी कंट्रोल को आप इंश्योर करेंगे कि ये ना हो कि मुफ्त पैकेज जा रहा है तो जो मिल रहा है वो क्वालिटी हम डाल दें। जाहिर हमने उस पर भी चेक्स रखे हैं, लेकिन आप खुद इस चीज को इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, किसी को आप चीज दे रहे हैं तो उसके खाने के काबिल हो, फिर उसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो टाइम लाइन्स के मुताबिक हो, और वो उसका ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ट्रांसपोर्ट का कितना इफेक्टिव, डिलीवरी का कितना इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाते हो, अपनी जो डिलीवरी टीम्स बनाते हो उनकी मॉनिटरिंग किस तरह करते हो, उनकी ओवरसाइट किस तरह रखते हो, और आपको किस तरह से हैंड्स ऑन अप्रोच है आपकी, ताकि आपको पता चले कि एक दिन में अगर आपने इतने हजार या इतने लाख पैकेज आपने